तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फिर आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली, छोड़कर कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल है, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए फ्रेंड कमाल की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और प्लीज़ आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा पूरा इसका राज क्या है। तो चलिए फ्रेंड कमाल की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि जो पेटीएम का पेमेंट बैंक होता है उसके अंदर अपना अकाउंट कैसे खोलें। फ्रेंड उसमें अकाउंट खोलने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे वहाँ पे आपको एटीएम कार्ड मिलता है और वहाँ पे आपका अकाउंट नंबर पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर मिल जाता है, सारी प्रोसेस हो जाती है वहाँ पर कम्प्लीट। तो आए फ्रेंड हम लोग लाइव प्रूफ के साथ देखेंगे यहाँ नए पेटीएम अकाउंट में कि कैसे हम लोग अपना पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोलें। तो फ्रेंड एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करते हैं कि मेरा यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है, वहाँ पे फिल नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे पासवर्ड नहीं ले रहा है, पास कोड क्या है, तो बहुत सारी दिक्कत आती है। तो फ्रेंड प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते रहिए। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधे यहाँ पे पेटीएम के एप्लीकेशन में और देखते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट कैसे खोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे पेटीएम वाली एप्लीकेशन आप लोग ओपन करते होंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ इस तरह से इंटरफेस लिखा हुआ आता होगा। यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो रही है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ फ्रेंड, बिल्कुल रियल। और यहाँ पे बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं बैंक के अंदर, पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो। तो आइए फ्रेंड हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कैसे हम आखिर में यहाँ पर अकाउंट खोलें। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाते होंगे, यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको, साइड में देख सकते हैं नीचे यहाँ पर होम है, फिर यहाँ पे मॉल है, फिर स्कैन है, बैंक है, इनबॉक्स, कुछ इस तरह से है। तो सिंपल आपको करना क्या होगा, यहाँ पे बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं FD वाला बैंक अकाउंट, सेव मनी, अन मनी ट्रांसफ़र, फिर जीरो फ्री अकाउंट। तो इसमें से एक पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, आप मान लीजिए जीरो फ्री अकाउंट पर अगर हम क्लिक करके यहाँ पे ओपन योर सेविंग अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होगा, नया वाला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है सेट योर पेटीएम पासकोड। तो फ्रेंड इस मतलब जो बैंक वाला यहाँ पे ऑप्शन, इसमें एंट्री करने के लिए कोई पासकोड बनाना होता है, तो चार अंक का आपको पासकोड चूज करना पड़ेगा। तो आप कोई यहाँ से चार डिजिट ले लीजिए, जैसे मैंने कुछ इस तरह से ले लिया, और फिर यहाँ पे दोबारा भी वही इनपुट करना होगा। उसके बाद सिंपल है, जैसे आप बैंक वाले ऑप्शन पर जब ओपन करेंगे तो यही पासकोड मांगेगा तभी ओपन होगा, तो ध्यान रखिएगा चारों जो डिजिट देंगे आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एड ए नॉमनी फॉर योर बैंक, तो यहाँ पे आप नॉमनी का नाम तुरंत भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे आई विल डू लेटर कर देते हैं। और नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं जिसको आपको क्या करना होगा, चेक मार्क करना होगा। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस्ड पे क्लिक करना होगा। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो पेटीएम KYC है वो करवाए रहेंगे तभी यहाँ पे पेमेंट बैंक खुल पाएगी, ठीक है। देखिए हमारे इस अकाउंट का जो है यहाँ पे KYC नहीं हुई है, तो आइए दूसरे अकाउंट में चलते हैं जिसकी हमारी KYC, वहाँ पे देखते हैं कैसे ओपन होगा। तो सिंपल है, आपने सारा फॉर्म वगैरह तो यहाँ से फिल कर ही लिया है, बस यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस यही करते तो आपका यहाँ पे ATM कार्ड, अकाउंट नंबर वगैरह सारा का सारा दिखा देता। तो आइए जो हमारा KYC हुआ वो वाला अकाउंट लॉगिन करते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं आखिर में कैसे कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस वाले नंबर की KYC हो गई है। तो आइए सिंपल इसमें देखते हैं बैंक अकाउंट कैसे खोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर चुका है, तो वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरने को आपको दिखाई दूंगा फ्रेंड। उसके बाद देखिए कैसा प्रोसेस आता है, क्या क्या करना होगा। तो इसमें मैंने बैंक अकाउंट खोला है, तो यहाँ पर जैसे ही बैंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर आपका पासकोड मांगा जैसा मैंने आपको बताया अभी था, तो यहाँ से आप अपना पासकोड इंटर कर दीजिएगा और लॉगिन सिक्योरिटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होगा फ्रेंड, वहाँ पे आपकी आईडी बन चुकी थी, बस आपकी KYC रही होती तो आपकी आईडी कंप्लीट बन चुकी होती, बन जाती वहाँ पे आपका अकाउंट जो है खुल जाता है, अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन वही उसी के लिए बस KYC की वजह से उसमें दिक्कत आई है। अगर आपकी KYC होती कोई दिक्कत नहीं तो अगर KYC नहीं तो KYC करवा के फ्रेंड आप अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आपको मिल जाता है डिजिटल डेबिट कार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं जो रुपये डेबिट कार्ड के माध्यम से यहाँ पे मिलता है, रुपये का जो कार्ड आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। इस कार्ड को आप घर भी मंगवा सकते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड, इस कार्ड को कैसे घर मंगाते हैं, नहीं तो एक ही वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से आपको कार्ड मिल जाएगा, इसका यूज भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा, फिर IFSC कोड भी मिल जाएगा, और यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट अगर करते हैं
तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्न्स अप टू 8% इंटरेस्ट, यहाँ पे ब्याज वगैरह कमा सकते हैं। फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट का सर्विस है, देख सकते हैं डेबिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड जो न्यू है, एड नॉमनी है, चेकबुक है और यहाँ पे रेट्स एंड चार्जेज है। तो यहाँ से आप चेकबुक वगैरह, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड सारा का सारा पा सकते हैं बहुत ही आसानी से, और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर भी है, इसको यूज कर सकते हैं। तो इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फ्रेंड, आपका एटीएम कार्ड कैसे घर मंगवाएं। लेकिन दोस्तों पहले आप अकाउंट ऐसे खोल लीजिए केवाईसी वगैरह कंप्लीट करवा के, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा एटीएम कार्ड घर कैसे मंगवाते हैं यहाँ पे। तो आशा है फ्रेंड आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। फ्रेंड अगर इंटरेस्टिंग लगी उस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के दोस्तों वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।